सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमन स्वागत करदा हाँ तुहाडा सारिआं दा मीत अकैडमी दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते। सो फाइनली जिस चीज़ का वेट कर रहे थे पूरे पंजाब दे कैंडिडेट, सो उहदे रिलेटिड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। जिवें दोस्तों सब इंस्पैक्टर दी भर्तियां दे अनाउंसमेंट जिहड़ी है जी फाइनली कर दित्ती गई है। किन्नियां भर्तियां आउट होईआं ने, कदों कदों आउट होईआं, कदों पेपर होणा है, पूरी डिटेल तुहानूं दस्सूंगा इस वीडियो दे विच। सो वीडियो नूं तुसीं एंड तक पूरा जरूर देखना है जी। सो इस दे विच अलग अलग डिपार्टमेंट वल्लों जिहड़े भर्तियां ने सब इंस्पैक्टर दीआं उह वी आउट कीतीआं गईआं ने, वो भी इस वीडियो की गल करांगे। सो तुसीं जिहड़ी है वीडियो एंड तक पूरा जरूर देखियो। वीडियो चंगी लगे तो लाइक जरूर कर दियो जी। अगर कोई फीडबैक होवे कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर दस्यो। और नाल दी नाल अगर तुसीं पहली बारी साडे चैनल ते आ रहे हो, चैनल नूं कर दो सबसक्राइब ते नाल नाल बैल दी आइकन भी दबा दो। उहदे नाल हर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाएगा और समा रहिंदे तुसीं इहदे लई अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट जिहड़े ने जी उह सानूं रिप्लाई करदे ने कि असीं जिहड़ी पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उहदे लई स्टडी मटीरियल तुहानूं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तुसी उतो डाउनलोड कर सकते हो। जिस दे विच तुहानू जिहड़े कंप्यूटर नोट्स चाहे वह हिस्टरी होवे चाहे किसी भी तरह के होण, सारे नोट्स तुहानू अवेलेबल मिलणगे। तुसी जल्दी नाल डाउनलोड करके चैक जरूर कर लेना ते अपनी तैयारी जिहड़ी है जो पक्की जरूर करना जी। अज की वीडियो सारे कैंडिडेट लिए बड़ी जरूरी हो जा रही है, जिहड़े कैंडिडेट काफ़ी टाइम तो पंजाब पुलिस की भर्ती का वेट कर रहे थे। जिदा कि तुहानू पता ही है पिछले दिन ही जिहड़े अनाउंसमेंट लिए उन्होंने कहा सीगा कि फाइनली अगले महीने तो शुरू हो जाएगी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, चाहे वह कॉन्स्टेबल की होवे जां सब इंस्पैक्टर की। सो फाइनली एक लैटर जारी कर दिता गया जो कि डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस वालों किया गया है, लेकिन एक साडे लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन यह जिहड़ी उन्होंने लैटर जारी किया किस डेट नूं किन्नियां किन्नियां भर्तियां आउट करनियां, जो कि ADGP ठीक है जी, HRD ठीक है जी, ADGP, SOG ठीक है जी, डायरैक्टर ऑफ PPA सारे जी उन्होंने भेजे हुए लैटर है। इस दे विच ए लैटर दे विच उन्होंने सिंपली किया जिहड़ा सबजैक्ट तुसीं देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट इन पंजाब पुलिस 2021 मतलब लेटेस्ट है। इस दे विच उन्होंने अपॉइंटमेंट मंगी है जिहड़े कि सब इंस्पैक्टर दियां 824 पोस्टां, हैड कॉन्सटेबल दियां 787 ते कॉन्सटेबल दियां 7788 पोस्टां दे लई जिहड़े ने उन्होंने अलग अलग काडर दे विच भर्तियां करनियां हैगियां ने। सो इस दे विच उन्होंने जिहड़ी ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसैस जिहड़ा है, चाहे वह फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट होवे ठीक है जी, तुहाडे विच 1600 मीटर का रन होवे, चाहे लोंग जंप होवे हाई जंप होवे, हर एक तरह की इंस्ट्रक्शनस उन्होंने दे दित्तियां ने। सो इहदे रिलेटिड उन्होंने इस भर्ती नूं अनाउंस कर दिता है कि जिहड़ा कि आउट हो जाएगा जिहड़ा कि 27 जून तो लैके 2021 संडे तो लैके ठीक है जी ऑर्गनाइज़ करनगे स्पैशल रन रिक्रूटमेंट के लिए। जिहड़े एस्परेंट होणगे पंजाब पुलिस लाइन के विच ट्रेनिंग जिहड़ी 27 जून नूं भी होएगी और इस तों बाद ये प्रोसैस जिहड़ा चले। सो इस रिलेटिड अगर तुसी एक जां अज दी अखबार दे विच भी देखा होएगा पंजाबी वाली च भी तां तुहानूं जिहड़े कटिंग मिल ही जाएगी जिस दे विच उन्होंने फ्री कोचिंग जिहड़ी है जी पंजाब पुलिस दे लई शुरू कर चुके हैं। तुसी अपनी नियरेस्ट पुलिस लाइन जाके जिहड़ा है जल्दी नाल चैक करो क्योंकि ना इहदे रिलेटिड चाहे वह दौड़ दे रिलेटिड होण, चाहे वह पुशअप दे रिलेटिड होण, चाहे वह हाई जंप दे रिलेटिड होण, हर एक तरह की ट्रेनिंग जिहड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि इन्हां नूं पंजाब पुलिस वल्लों ऑर्डर होए ने। सो तुसी जल्दी नाल जा के जिहड़ी है जी अपनी भर्ती का प्रोसैस चैक करो ते नाल दी नाल ट्रेनिंग भी तुसी जिहड़ी है जी पूरी कर लवो। इस दे विच तुहानू जिहड़ा है अगे भी दसदा जिहड़ी इन्हां ने एलिजिबिलिटी दे बाकी चीज़ां मैनशन कीतियां हुई हैं वो भी तुहानू एक बार दिखा देना है जी। मैं सब इंस्पैक्टर दी जिहड़ी पंजाब पुलिस दे विच होणियां ने डिस्ट्रिक्ट काडर दे विच होणियां ने, आर्म्ड पुलिस काडर दे विच, इन्वेस्टिगेशन ते इंटैलीजेंस दे विच जिहड़ियां चार काडरां दे विच जिहड़ियां भर्तियां ने उह होणियां ने। इस दे विच उन्होंने इंपोर्टेंट इनफोरमेशन जिहड़ी उह वी सर्कुलेट कर दित्ती है जी, जिहड़ी कि तुहाडी रिटन एग्जामीनेशन दी डेट है उह अनाउंस हो चुकी है। तुसी देख पा रहे हो इत्थे मैनशनड है कि इहदे रिलेटिड जिहड़ी है 17 तो लैके 31 अगस्त तक जिहड़े रिटन एग्जामीनेशन होणगे उह सारे दे सारे कैरीड आउट कर दित्ते जाएंगे। सो इस दे विच तुहाडी जिहड़ी है इंपोर्टेंट नोट्स भी लिखे हुए हैं, रिटन बेस्ड टैसट जिहड़ा है जी फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट तो पहलों होएगा, ओनली उही कैंडिडेट जिहड़े रिटन एग्जाम नूं क्लीयर करनगे उही एलिजिबल होणगे फिजिकल स्क्रीनिंग टैसट दे लई। जिहड़े क्वालीफाइड नेचर होएगा कोई भी जिहड़े मार्क्स ने तुहानूं अलग तो PST दे नहीं मिलणगे, बट कैंडिडेट नूं क्लीयर करना जरूरी होएगा फिटनेस ट्रायल इवेंट भी। सो मैरिट दे बेसिस ते तुहाडी जिहड़ी है जी इस दे विच तुहाडी सिलेक्शन जिहड़ी होएगी जो कि रिटन एग्जामीनेशन दे विच होण वाली है। सो इह तुहाडा एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टैसट होएगा ठीक है जी। सो इस दे विच तुहानूं बाकी चीज़ां तुसीं खुद भी रीड आउट कर लेना, लिंक तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन च दे दांगा। इस दे विच तुसीं देख पा रहे हो सब इंस्पैक्टर दी अगर भर्ती दी गल करिए, सब इंस्पैक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस काडर दे विच 87 ने,
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕਾਡਰ ਦੇ 97, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 299 ਔਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰਿਡ ਆਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਨੂੰ, ਬੀਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਫਿਸਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, 400 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5'5" ਮੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ 5'1". ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।